आपका नाम? सर मेरा नाम ज्योति बर्नवाल है। आप ये जो कोचिंग में आप पढ़ने आती हैं, मतलब कहाँ से आ रही हैं? यहाँ पर जो लड़कियाँ लोग जो आती हैं उनकी सेफ्टी के बारे में कुछ बताया, जो बहुत दूर दूर से लोग। जी बिल्कुल। आपका नाम मैम? नैंसी। जो पढ़ाते हैं सर आपको समझ में आता है? अच्छा, आपके पास जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपके वहाँ से पढ़ के कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या अदर कंट्री में, और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी वगैरह जो है यहाँ पर कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के स्टूडियो में मैं आ चुका हूँ बहादुरगंज के सबसे बड़ी कोचिंग में, यानी कि जो अपने आसपास में अपने बहादुरगंज में ऐसी कोई कोचिंग नहीं है। यहाँ पर चलेंगे, यहाँ के बच्चों से बात करेंगे, यहाँ के सर से बात करेंगे और यहाँ पर कोचिंग हाल दिखाएंगे और यहाँ पर मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों बहादुरगंज की सबसे बड़ी कोचिंग में आपको आने के लिए कैसे आना है, तो सबसे पहले आपको जो बहादुरगंज बस स्टैंड है वहाँ से 500 मीटर की दूरी के बाद, यानी कि लालगंज ये रोड पड़ता है जो कि आप देख सकते हैं, ये रास्ता है जाने के लिए जो कि आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों सामने देखेंगे तो सामने GI ग्लैंस इंस्टीट्यूट है, पता की बात करूँ तो राजेश्वरी इंटर कॉलेज के सामने श्री BY चिल्ड्रन स्कूल में है, और ये जो जगह है ये पुरानी गंज गाजीपुर में ये जगह आता है। तो आइए चलते हैं अंदर, और अंदर जो है यहाँ के बच्चों लोगों से बात करवाते हैं, और जैसे सर का क्या एक्सपीरियंस है, बच्चे लोग कहाँ कहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं, ये सब जो है आपको आगे वीडियो में जो है हम दिखाने वाले हैं, कोचिंग हॉल दिखाने वाले हैं। और अपने अगर कहा जाए तो बहादुरगंज में ऐसी कोचिंग नहीं है जो CBSE बोर्ड की जो है तैयारी करवाते हैं। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। और ये अगर देखा जाए तो ये इनका कोचिंग सेंटर का ये मेन गेट है, यही अंदर जो है जाने वाला ये रास्ता है। दोस्तों जैसे ही आप कोचिंग सेंटर के अंदर आएंगे तो ये पूरा जो है आपको हाल दिखेगा। सामने देखेंगे तो यहाँ पे कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है, और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये फायर ब्रिगेड्स के यहाँ पे पूरा जो है पूरा सेफ जो है व्यवस्था है। और चलते हैं वहाँ पर जहाँ पे बच्चे जो है पूरी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, और वहाँ पर दिखाते हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये अंदर जो है यहाँ पर क्लासेस वगैरह चल रही है, और ये अंदर जाने वाला जो अगर आप देखेंगे तो ये हॉल है, और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी वगैरह जो है यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि अपने बहादुरगंज जो है के जो लोग हैं यहाँ पर 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो है सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सर जो है यहाँ पर क्लास वगैरह जो है करा रहे हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग आए हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, और मतलब यहाँ के सर के बारे में उन बच्चों लोगों से पूरी जो है जानकारी लेंगे कि जो सर के पढ़ाने का अंदाज है वो कैसा है, और जो सर लोग पढ़ाते हैं वो कैसा पढ़ाते हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो ये कोचिंग सेंटर था, जो नीचे मैं आपको दिखाया था वहाँ पर फिजिक्स का क्लास चल रहा था, और यहाँ पर बायो का क्लास चल रहा है। ये सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, यहाँ पर सारे जो है स्टूडेंट हैं यहाँ पर कोचिंग में आए हुए हैं और अपनी जो है पूरी तैयारी जो है यहाँ पर कर रहे हैं, और ये जो क्लास होता है वो 1 घंटे का होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं कि ये बच्चे मतलब कहाँ से आए हैं, जो सर पढ़ाते हैं वो कैसा पढ़ाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो है लड़के हैं लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ सर आपका नाम क्या? रजनीश राज। कहाँ से आप लोग आते हैं? दौड़ा से आते हैं। मतलब ये जो क्लास चल रहा है ये जो इंस्टीट्यूट में आप लोग कोचिंग करने आते हैं, सर कैसा पढ़ाते हैं? सर वैसे भी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब कौन सा क्लास इस समय भी कर रहे हैं? बायो। कितनी दूरी से करीब कई बात है यहाँ से कितनी दूरी मतलब है आपको? 5-7 किलोमीटर। ये 5-7 किलोमीटर दूर से आते हैं। और दूसरे लोगों से पूछ लेते हैं आपका नाम भाई? अंकित मौर्य। अंकित मौर्य आप कहाँ से आते हैं? छुटारी। क्या पढ़ने हैं यहाँ पर? बायो। कैसा लग रहा है यहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं आप? अच्छा पढ़ाते हैं। ये भाई थे और ये 8 किलोमीटर दूर से आए हुए थे, और ये जो है सर का पढ़ाने का अंदाज बता, और यहाँ पे पूछते हैं कुछ लेडीज लोगों से। क्या नाम? सर मेरा नाम ज्योति बर्नवाल है। आप ये जो कोचिंग में आप पढ़ने आती है मतलब कहाँ से आप? मैं बहादुरगंज से। यहाँ से मतलब कौन से एरिया से? बरवातर से। क्लास 12th में पढ़ती हूँ। और स्कूल में पढ़ती हूँ मैं स्कूल ब्लूमिंग वाटर इंग्लिश स्कूल जो की स्वीरम है। सर आपको पढ़ाते हैं वो मतलब जो भी आपको समझाते हैं तो कैसा मतलब आपको समझ में आ जाता है? सर ये है ना कि यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद बस एक बार जा करके NCERT पढ़ लेंगे तो हम लोग के लिए पूरा एकदम रिवीजन, उसके बाद बस हम लोग सीधे एग्जाम के टाइम बस नोट्स उठाते हैं और उसके बाद एक बार देख लेते हैं पूरा। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपने बहादुरगंज के हैं या जो आसपास के जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कोचिंग वगैरह को लेकर, तो उनसे क्या कहेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर आने के लिए? सर देखिए यहाँ पे तो पहली बात हम लोग के लिए मतलब सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हम लोग का अगर प्रॉब्लम है कि इतने टाइम तक हम लोग नहीं आ सकते हैं, जैसे हम लोग गर्ल्स हैं तो 6 बजे के बाद हम लोग अलाउ नहीं रहता है, तो उसके लिए सर लोग क्या करते हैं कि पहले ही हम लोग को
पहले से अरेंज कर देते हैं टाइम ताकि हम लोग 3:30 बजे आए और 5:30 बजे तक हम लोग घर चले जाए। अच्छा, आप यहाँ पर कितने सालों से कितने महीनों से कोचिंग करते आ रही हैं? मैं क्लास 10th से पढ़ते आ रही हूँ। थैंक यू। आपका नाम मैम? नैन्सी। मैम आप कहाँ से यहाँ पर आती हैं? सलामतपुर से। लमसम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अगर ये कहा जाए तो ये 10 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आती हैं क्लास करने के लिए। आप कौन सा क्लास कर रहे हैं? बायो। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। सब जो पढ़ाते हैं सर आपको समझ में आता है? ठीक है, थैंक यू। तो ये लोग थे जो यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग आए हुए थे और ये यहाँ पर उन लोग से थोड़ा सा बात कर लें। सर आपका नाम? श्रेष्ठ सिंह। आप बताएं जो सर पढ़ाते हैं कैसा लगता है? जो अच्छा ही पढ़ाते हैं। क्या कहेंगे जो गाजीपुर है या यूसुफ़ मोहम्मदाबाद है या ये अपना बहादुरगंज है? हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। हाँ, मतलब ढूंढते हैं कोचिंग की, कोई अच्छी कोचिंग मिल जाए। तुमको हम यही सलाह देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आगे कोचिंग ज्वाइन कर ले तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। ये यहाँ के भाई थे। ठीक है, शुक्रिया सर। ये यहाँ पर आए हुए थे और ये काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर पढ़ने आते हैं और सर के पढ़ाने के अंदाज के बारे में बात करूँ तो बहुत अच्छे से जो भी मतलब बताते हैं उनको समझ में आता है। और ये सब यहाँ पर स्टूडेंट लोग थे जो दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ के जो कोचिंग के मैनेजर हैं, जो सर हैं, जो क्लासेस लेते हैं, उनसे मिलवाएं और यहाँ के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कि मतलब इसका क्या सिस्टम है, कहाँ पर है और कितनी क्लासेस हैं और बहुत कुछ जो है यहाँ पर सर से बात करने वाले। तो सर सबसे पहले हमारा जो फेसबुक पेज है आपका बहुत बहुत सर वेलकम है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आकाश कुमार साहनी है और मैं सनबीम स्कूल मऊ में इस समय कार्यरत हूँ। वहाँ पे मैं TGT एज ए TGT वहाँ शिक्षण गण के रूप में वहाँ पे मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर हैं, ये सनबीम जो स्कूल है वहाँ पे ये एक तरह से कहा है तो एक टीचर है, वहाँ पे भी पढ़ाते हैं और इनका खुद का अगर कहा है ये कोचिंग चलाते हैं, कहा है एक तरफ मैनेजर है और यहाँ पर 3 लोग जो है यहाँ पर टीचर के रूप में पढ़ाते भी हैं। सर आप हमें ये बताएं कि ये जो आपका जो कोचिंग सेंटर है ये कहाँ पर है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमसे आए, रूबरू हुए, हमारे कोचिंग के बारे में लोगों को जानकारी देना चाह रहे हैं यहाँ पे। आप हमें ये बताएं कि आप जो कोचिंग चलाते हैं आपका कितना एक्सपीरियंस है, जो बच्चों लोगों का पढ़ाते हैं कितने मतलब सालों से पढ़ाते हैं? जी मैं इस एजुकेशन सेक्टर में मैं 10 सालों से हूँ। इसके पहले मैं बहुत सारे स्कूल में पढ़ा भी चुका हूँ और साथ ही साथ मैं लगभग 2500 बच्चों को क्लास 12 तक मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। यहाँ पे हम ओनली CBSE बच्चों को ही शिक्षण देते हैं यहाँ पे। और बहादुरगंज में कहा जाए तो मैंने कोचिंग खोला इसी उद्देश्य से खोला ताकि बच्चों को जो है अच्छी एजुकेशन यहाँ पे मिले। मुझे सर पता चला कि जो बहादुरगंज है अपने 10 से 15 किलोमीटर एरिया में अपने आसपास में, अपने बहादुरगंज के आसपास में ऐसी कोई कोचिंग नहीं है, ऐसा मतलब मैं भी सुना हूँ और यहाँ के लोगों से मतलब मैं जाना भी हूँ, तो क्या ये सही है सर? जी ये अगर आप किसी से भी यहाँ पे पूछेंगे बहादुरगंज में कि CBSE कोचिंग कहाँ पे चलती है तो सभी लोग का एक ही जवाब होगा कि हाँ, राजेश्वरी स्कूल के सामने श्री BY चिल्ड्रेन स्कूल में, जिस कोचिंग का नाम है वो ग्लांस इंस्टीट्यूट है, जो आकाश सर और आलोक भारती हमारे साथ में है, वो हमारे साथ पढ़ाते हैं। तो सर जो यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग आते हैं या जो यहाँ पर जो लड़कियाँ लोग जो आती हैं उनकी सेफ्टी के बारे में कुछ बताया, जो बहुत दूर दूर से लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला कंसर्न गार्जियन का यही होता है कि जहाँ बच्चे हमारे जा रहे हैं, क्योंकि दो घंटे तीन घंटे हमारे छत्र छाया में वो रहेंगे तो वो वहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे सारी व्यवस्था है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि CCTV कैमरा हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, हमारे यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज सेपरेट वॉशरूम है, फायर ब्रिगेड की सारी चीजें यहाँ पे व्यवस्था है और इमरजेंसी में अगर कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ी हमारे बाहरी मेडिकल भी है जिससे वहाँ पे उनको दवाइयाँ भी मिल सकती है। और दोस्तों सर से जान लेते हैं कि सर जो ये कोचिंग चला कब से चला रहे हैं, क्या इनका विजन या मिशन है इस कोचिंग को खोलने का? जी जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मेरे कोचिंग का नाम है GI क्लासेस, जो पहले ग्लांस इंस्टीट्यूट के नाम से फेमस थी, और हमारा यहाँ खोलने का विजन एक ही था ताकि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिल सके एक कस्बे में। कि मोस्टली यहाँ के बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम के और CBSE स्कूल के बच्चे जो है कोचिंग अगर उनको चाहिए होता था वो मऊ जाते थे, जो बहुत ही दूर पड़ता है और बहुत ही कॉस्टली भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है हम कम से कम फीस में उनको रीजनेबल फीस में अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं ताकि इस कस्बे का जो है विकास हो। ये जो है सर जो बता रहे हैं कि अपना बहादुरगंज जो एरिया है यहाँ पर कोचिंग को लेकर CBSE बोर्ड की कोचिंग को लेकर बड़ी दिक्कत होती थी, मतलब यहाँ पर एक ऐसी कोचिंग है कि अपने बहादुरगंज में ऐसी कोई कोचिंग नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आते भी हैं और आप वीडियो में देख चुके हैं कि वो सर के पढ़ाने का क्या अंदाज है।
तो कुछ इस तरह से ये सर पढ़ाते हैं, ये सर का विजन था। और सर कुछ टाइमिंग को लेकर सर कुछ बताएं सर। जी, समय जो है हमारे यहाँ पे स्कूल के बाद जो होता है 3 से लेकर 6 बजे तक का समय हमारे यहाँ पे है, मंडे टू सैटरडे। ऑनडे को जो है हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, जिसके अंदर जो बच्चे का जो सिलेबस छूट गया है वो हम लोग कराएंगे, या फिर हम लोग टेस्ट रखते हैं, या फिर हम लोग डाउट क्लासेस रखते हैं। सर आप हमें ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हमारी वीडियो देख के आपके पास आने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर एरिया के लोग हैं जो डेली मतलब अप डाउन नहीं कर सकते अपने घर को, तो उनको यहाँ पर रूम के लेकर या कोई हॉस्टल वगैरह को लेकर कोई आपके पास कोई व्यवस्था है? जी, यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था हम करा देंगे। अगर बच्चे जो है ग्रुप में आते हैं और पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे, काफी दूर से अगर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है, रह के वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उनके खाने रहने पीने की सारी व्यवस्था हम कर देंगे। सर हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी वीडियो खास तौर से स्पेशली जो बहादुरगंज है, मऊ है या गाजीपुर है, यहाँ के लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनसे क्या स्पेशली क्या कुछ सजा? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार हमारे कोचिंग पे विजिट करिए, और बच्चों को अगर स्पेशली हो तो उनको भेज के देखिए, क्योंकि हम 4 दिन का क्लासेस जो है फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों, ताकि बच्चे आके यहाँ पे देख, मतलब आप 4 दिन का जो क्लास पढ़ाते हैं वो आप फ्री में पढ़ते हैं? पहला जो है हम लोग 4 दिन का डेमो क्लास देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जो है उन चीजों को उनको समझ आ रही है या नहीं आ रही है चीज। अच्छा, आपके पास से जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपके वहाँ से पढ़ के कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या अदर कंट्री में, कुछ ऐसे आप कुछ नाम? अभी पिछले साल जो है डॉक्टर शमशेर की जो है लड़की थी सृष्टि, जिसको मैंने फिजिक्स, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो बहादुरगंज के रहने वाले हैं, बहुत फेमस डॉक्टर है वो, और यूपी सिंह अगर आपने सुना होगा तो उनकी रिलेशन में भी वो आते हैं, तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, जो इस वक्त लखनऊ में वो बीडीएस कर रही है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, जो एम्स के थ्रू क्वालिफाई करके वो वहाँ पे एडमिशन लिए हैं। बताया तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मतलब इस पोस्ट पे यहाँ पर काम कर रहा है। पहले आपका नाम? सर मेरा नाम आलोक रंजन भारती है। सर आप यहाँ पे एक मतलब कौन से मतलब क्लासेस करवाते हैं? सर मैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, क्लास 9, 10, 11, 12। आप मतलब कुछ बताएं यहाँ के बैचेस के बारे में, क्या कैसे पे अभी नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं उन बच्चों के लिए जो साल भर अभी अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, इनके जिनके लिए क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 25 अक्टूबर से। हर साल भी 25 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जो 25 जनवरी तक लगभग लगभग खत्म कर दिया जाता है। हाँ, और ये बहुत एक कम फीस में शुरुआत की जाती है इन बच्चों के लिए, जो बच्चे अपना नहीं कम्प्लीट कर पाए हैं वो अपना आसानी से कम्प्लीट कर लें सिलेबस, ताकि आने वाले एग्जाम में अच्छे से नंबर लाएं। ठीक है सर, तो ये मतलब यहाँ पर बहुत सारी जो है बैचेज स्टार्ट होने वाली है, जो कि आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो उस नंबर पे कॉल करके आप बहुत सारी जानकारी भी ले भी सकते हैं, और यहाँ पर इस जगह पे आ सकते हैं। तो ये यहाँ के अगर कहा जाए तो ये सर थे, और सर से मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मैं चाहता हूँ कि सभी गार्जियन जो है एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करें, बच्चे भी विजिट करें। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग और आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई थी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और खास तौर से स्पेशली वो लोग शेयर करें जो बहादुरगंज के लोग हैं, जो गाजीपुर के लोग हैं, जो मऊ के लोग हैं, जो अपने 20 से 25 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर के लोग हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि आप लोगों को जो कोचिंग CBSE बोर्ड की तैयारी करते हैं या जो अपने बच्चों लोगों को करवाते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, और आने से जो है यहाँ पर अपनी CBSE बोर्ड की तैयारी कर सके। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।